यस मैंने एजीएस का आईपीओ लिया था, उसके बाद वो 175 से लिया था, उसके बाद वो नीचे गिरने के बाद और मैंने परचेस किया 100 शेयर है मेरे पास, लेकिन वो बहुत ही नीचे आ गया, 63 तक आया था, तब मैंने एक सीएनबीसी में कॉल किया था, लेकिन उन्होंने एक्सपर्ट ने बोला था 80 पर आने के बाद फिर से कॉल करो, अभी वो फिलहाल 95 पे जाके रुका है, आज 95 पे गया था आज तो बिल्कुल तो एक चीज तो है अश्विनी जी, आपने आईपीओ की होल्डिंग है आपकी और आईपीओ से लेकर तो ये लगातार स्टॉक गिरा है, आपने तो इससे भी बुरे दिन देखे होंगे, इस साल की शुरुआत में जब ये 40-45 रुपए तक लुढ़क गया था, अब तो फिर भी इसमें रिकवरी बनी है, आपके लॉसेस रिकवर हुए हैं और अपने लो से 100% रिकवर हो चुका है, लेकिन अभी भी आप ह्यूज लॉसेस में हैं। अब पूछ लेते हैं मानस, कॉमेंट आपके एजीएस ट्रांजेक्ट पर, 171 की बाइंग 89 पर ट्रेड करते हुए। तो देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा मूव बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, 180 रुपए से लेकर 45 रुपए तक की गिरावट थी, तो और अब कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म चार्ट पे भी और मीडियम टर्म चार्ट पे भी रिवर्सल के साइन जरूर देखने को मिले हैं। आज हमें एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला, लेकिन मेरा समझना है कि शायद लोअर लेवल पे 75 से लेकर 80 रुपए इस रेंज में बहुत सारे सपोर्ट दिखते हैं, एक राउंडिंग बॉटम बना है, बहुत लंबे वक्त के लिए नहीं, लेकिन आपका जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो बुलिश लग रहा है और आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आपको 115-120 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। पिछली बार आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, लेकिन मेरी राय में अभी स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, 74 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन बना के रखिए, ऊपर की तरफ 115 से 120 तक के भाव आपको देखने को मिलेंगे और फिर से वहां पर रिव्यू करिए, अगर 120 के ऊपर सस्टेन करेगा तो शायद आपको जो ऑल टाइम हाई है स्टॉक का वो भी टेस्ट हो सकता है, लेकिन आपको वहां पर फिर से स्टॉक को रिव्यू जरूर करना पड़ेगा। ओके, होल्ड करने की सलाह 74 के स्टॉप लॉस के साथ। कैप्टन ड्योबक सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, सिंह साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा वही है, दूसरा जो है आईएक्स का है, वो 154 पर है, होल्ड किया और हमने 1305 से। कौन सा स्टॉक है? आईएक्स, आईएक्स, और आपने बाइंग क्या बताई? 154 की, 153 पर है उसका जो है वो, अभी 138 जा रहा है, क्या करने का इसको? क्या करें आईएक्स में, 154 की बाइंग है, 138 पर ट्रेड करते हुए थोड़ा नीचे इनके खरीदारी के भाव से, ऑल द स्टॉक ने तो जिन्होंने पीक पे खरीदा हुआ उनको तो काफी लॉसेस भी हो रहे हैं अभी, क्या सजेशन पर इनके लिए? देखिए पिछले 3 मंथ में 3 बार स्टॉक ने अटेम्प्ट किया 200 मूविंग एवरेज ब्रीच करने के लिए, अभी तक 2 बार तो फेल हो गया, क्योंकि सितंबर में कोशिश की, अक्टूबर में कोशिश की, लेकिन ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। इस बार फिर से दो दिनों पहले ही स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, आज ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन मेरा समझना है कि एक बार चांस लेना चाहिए शायद इस बार, क्योंकि पैटर्न पॉजिटिव है, इसलिए शायद ऐसा हो सकता है कि इस बार 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच करके स्टॉक 160 की तरफ जाने की कोशिश करे तो होल्ड करने की राय रहेगी और 130 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, बात करते हैं अगले कॉलर से, कृष्णा है आजमगढ़ से हमारे साथ, कृष्णा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका?